आपके साथ धोखा है तो हमारे बुजुर्गों ने फुल लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ी 1964 में फिर चुका तो केवल कार मल्ला ने साथ वही मांझी फ्री आदिवासी की सूची में घोषित कराने के लिए कोशिश की थी। लेकिन आज तक हमारे पुरखों ने हमारे भाइयों ने लड़ाई लड़ते लड़ते लेकिन मांझी को 29 नंबर पे आदिवासी में रखा गया। केवल कार मल्ला ने साथ वही कश्यप को ओबीसी की सूची में रखा गया। साथ ही ये हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारा इससे कोई लेना देना है, ना हमारा कोई मिशन है। ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों की, हमारे भाइयों की बढ़ाने के लिए हमने आपके बीच में आज आए हैं। लेकिन साथियों, हमने समाज के लोगों ने कहा ये बात कल्याण सिंह, तो मैंने कहा कि समाज में मैंने दो शर्तें हैं, यदि समाज हमारी दो बातें मानेगा तो मैं समाज के बीच में जाऊंगा, नहीं समाज के बीच में। बताओ तुम्हारी दो शर्तें क्या हैं? तो मैंने पहले सबसे पहले ये कहा कि हम समाज में चंदा की बात नहीं करेंगे, यदि हम समाज में जाएंगे तो। लोगों ने कहा दूसरी बात क्या है? हमने कहा दूसरी बात ये है कि हम समाज में जाएंगे, किसी से वोट की और राजनीति की बात नहीं करेंगे। हमें राजनीति से कोई लेना, हमारी किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी जाति धर्म के हम विरोधी नहीं। सुनी होगी आपने निषाद राज जी की कथा, सुनी होगी आपने व्यास जी की कथा, सुनी होगी आपने तिलकाम जी की कथा, सुनी होगी ये हमारे वंशज तो थे, किसी और के थोड़ी थे। ये हमें आप लोगों को बताने के लिए हम आपके बीच में आए हैं, और आप उनके घर पर बैठे तो उनसे ये कहेंगे, वो पूछेंगे कि आप सरकार वोट हमारा लेना चाहते हो तो मात्र इतना बता दो, दिखाएंगे मंत्री से और मुख्यमंत्री से पूछ के बताएंगे। तो आप बस इतना कहना शुरू कर दो कि हम भी समाज में इकट्ठे हैं, हमारा समाज जो निर्णय करेगा वहीं वोट देंगे। नहीं, हमारी कोई समाज नहीं है। नहीं, हमारी समाज, हम सभी लोग इकट्ठे होकर के अपनी बात करना चालू करें, इसलिए केवल समाज है आदि और निषाद और कश्यप हम सभी एक हैं, हमें एक होकर के काम करना चाहिए, क्योंकि अभी इस बिरादरी में भी फूट रही है। केवल कार मल्ला में एक दूसरे में विवाद है, ये कहते हैं हम इनसे छोटे हैं, हम इनसे बड़े हैं, इसलिए ये तो आपस में शादी संबंध में भी भेदभाव है। लेकिन अपन सब एक ही हैं, एक ही सब मात पिता की औलाद है, एक ही संतान है, हम सब लोग मिलकर के चलेंगे, हम एक दूसरे का मान करेंगे, सम्मान करेंगे, तो हम सबकी इज्जत बढ़ेगी, हम अपन को माफ नहीं करेगी, क्योंकि अपने पुरखों ने लड़ाई लड़के अपन को यहाँ तक बोलने के लिए तैयार